नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजगढ़ जिले के जीरापुर नगर में दुकानदार हाथ ठेले व्यवसायियों के द्वारा अपनी दुकान प्रतिष्ठानों के आगे रखे सामान एवं खड़े फोर व्हीलर वाहन से आए दिन जाम के हालात निर्मित हो रहे थे, जिसके कारण नगरवासियों सहित आमजनों का आवागमन में भारी परेशानियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतिक्रमण के कारण नगर में मुख्य मार्ग से लेकर अंदर बाजार में विभिन्न जगहों पर आधे घंटे से लेकर घंटे भर तक के लिए जाम की स्थिति बनी रहती है। अस्थायी अतिक्रमण से आमजनों की परेशानी को देखते हुए परिषद ने पहले तो नगर में 3 दिवस तक मुनादी करवाई कि जिन लोगों एवं दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान दुकान जाए रोड पर रखकर जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है उसे हटाकर व्यवस्थित कर ले, क्योंकि नगर के आवागमन में अव्यवस्था फैल रही है। लेकिन 2-3 दिनों तक नगर में इस मुनादी के बाद भी कोई असर देखने को नहीं मिला और व्यवस्थाएं जस की तस बनी रही। तो आज शुक्रवार को नगर परिषद अमले के द्वारा हरकत में आकर कार्रवाई के साथ अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाकर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। इस मुहिम के दौरान परिषद सीएमओ सहित समस्त कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने रोड के दोनों साइड बनी नाली तक का अतिक्रमण हटवाकर रोड को अतिक्रमण मुक्त करवाकर व्यवस्थित किया गया। ये अतिक्रमण मुहिम चलकर माचलपुर नाके से प्रारंभ की गई, जो चौराहा स्वामी विवेकानंद चौराहा एवं अटल चौक तक जारी रही। इस मौके पर नगर परिषद सीएमओ जीरापुर महमूद अली खान ने बताया कि आज मुख्य मार्गों की नाली से नाली तक का अवैध अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया है। जब तक पूरे नगर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण नहीं हट जाएगा तब तक मुहिम जारी रहेगी। जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। विवेकानंद चौराहे से लेकर माचलपुर नाके तक जो भी अतिक्रमण था नालियों के ऊपर या हाथ ठेलों के द्वारा जो अतिक्रमण किया था वो हटाया गया। इसके बाद अटल चौक के जो बाजार में मेन बाजार में उधर का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद वो उनको नोटिस दिया गया है, उनको पहले नोटिस दिया गया है। 3 दिन से मुनादी कराई जा रही है कि अपना अपना अतिक्रमण हटा लें। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।